वाईफाई नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे कि बीएससी में कौन सी सब्जेक्ट लें। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे मैसेज करके एक फरमाइश किया था कि सर आप एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें आप बताइए कि बीएससी में कौन सी सब्जेक्ट अच्छी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले बीएससी को थोड़ा सा जान लीजिए कि होता क्या है। बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन साइंस। ये 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है। बीएससी दो तरीके से होता है, एक तो आपका बीएससी प्लेन होता है ऑर्डिनरी बीएससी और दूसरा होता है बीएससी ऑनर्स। तो बीएससी ऑनर्स में एक ही सब्जेक्ट से 3 साल पढ़ाई करनी होती है, लेकिन अगर बीएससी प्लेन या नॉर्मल प्रोग्राम बीएससी का आप करते हैं तो उसमें आपको पहले साल 3 सब्जेक्ट, दूसरे साल भी 3 सब्जेक्ट और तीसरे साल 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ती है। बीएससी को डिवाइड किया जाए अगर इनके सब्जेक्ट के बेसिस पे तो बीएससी नॉर्मली 2 तरीके का होता है। एक होता है ट्रेडिशनल बीएससी और दूसरा होता है प्रोफेशनल बीएससी। तो ट्रेडिशनल बीएससी में कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है इसको जान लीजिए। दोस्तों ट्रेडिशनल बीएससी में जो सब्जेक्ट होती है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी। ये जितनी सब्जेक्ट होती हैं ये आती हैं ट्रेडिशनल बीएससी में। यानी बीएससी ट्रेडिशनल बीएससी जो लोग करते हैं वो इन सब्जेक्ट का कम्बाइनेसन बना के करते हैं। अच्छा, इसमें कम्बाइनेसन सब्जेक्ट कम्बाइनेसन कैसे बनता है? तो ट्रेडिशनल बीएससी में या तो आप पीसीएम ले सकते हैं यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का कम्बाइनेसन बनता है, या पीसीबी का बनता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। तो ये दो मेन ये कह सकते हैं कि 2 कैटेगरी हैं जिनमें से हिंदुस्तान के जितने स्टूडेंट हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट कह सकते हैं कि 80% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इन्हीं पीसीएम या पीसीबी में से बीएससी स्ट्रीम चुनते हैं। थोड़ा सा इसको जान लीजिए कि प्रोफेशनल बीएससी में कौन कौन चीज़ें आती हैं। तो प्रोफेशनल बीएससी में बीएससी नर्सिंग, बीएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन एनिमेशन, बीएससी इन फैशन डिज़ाइन, बीएससी इन मल्टीमीडिया। ये जो होता है ये प्रोफेशनल कोर्स होता है। यानी ऐसे बीएससी प्रोफेशनल बीएससी करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही चांसेज होते हैं जॉब के। क्योंकि प्रोफेशनल बीएससी करते हैं तो प्राइवेट जॉब के ज़्यादा चांसेज होते हैं, गवर्नमेंट के भी चांसेज बराबर ही होते हैं जितना कि आपके ट्रेडिशनल बीएससी का होता है। अब थोड़ा सा इनको मैं बताना चाहूँगा कि पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है वो ट्रेडिशनल बीएससी करना चाहता है तो वो पीसीएम ले या पीसीबी ले क्या अच्छा होगा? तो दोस्तों देखिए एकदम साफ बात है कि पीसीएम और पीसीबी दोनों तरीके से करते हैं तो जो वैकेंसी होती है ना जितनी ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी होती हैं वो दोनों में आपको बराबर ही बेनिफिट मिलेगा। या पीसीबी से आप करें या पीसीएम से मिलें, दोनों में ही आपको आप तैयारी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल के आईएएस पीसीएस जो भी तैयारियां होती हैं कंपटीशन की आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदे होते हैं जो पीसीबी में ज़्यादा मिलते हैं पीसीएम की अपेक्षा। तो अगर हो सके तो आप पीसीबी ले लें, पीसीबी आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ये बेटर किस लिए होगा ये मैं बता देता हूँ। देखिए पीसीबी में क्या होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होती है, और आपको पता है कि बायोलॉजी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होती है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। तो इस हिसाब से अगर 3 साल का आपका एवरेज जो परसेंटेज होगा वो ज़्यादा बनेगा। पीसीबी से जो परसेंटेज होते हैं बीएससी में वो ज़्यादा बनते हैं। इसकी वजह ये होती है कि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट होती है ये प्रैक्टिकली सब्जेक्ट होती है, इसके मार्क्स जो प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको पता होते हैं ज़्यादा मिलते हैं, तो जिससे ओवरऑल जो परसेंटेज होते हैं बढ़ जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो टीचर वगैरह के लाइन में जाना चाहते हैं तो टीचर बनने के लिए कुछ हद तक आपके ग्रेजुएशन के परसेंटेज ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि उसके कुछ परसेंट आपके वैकेंसी में ऐड किए जाते हैं। तो टीचर बनने का सपना हो तो निसंदेह पीसीबी ले लीजिए। और पीसीबी के फ़ायदे क्या हैं कि देखिए पीसीबी अगर आप बायोलॉजी से कर लेते हैं बीएससी अपना बायोलॉजी सब्जेक्ट रखते हैं, वैसे तो फिजिक्स केमिस्ट्री आप मैथमेटिक्स ग्रुप में भी रखते हैं लेकिन बायोलॉजी जो आप रख लेते हैं तो इससे अगर कोई मेडिकल कोर्स करते हैं आगे चल के डीएमएलटी करते हैं, बी फार्मा करते हैं या और भी कोई एमबीबीएस करना चाहते हैं या और भी किसी कोर्स में जाना चाहते हैं मेडिकल के, तो अगर आप बायोलॉजी से बीएससी किए तो इसका बहुत ही ज़्यादा आपको समझ लीजिए कि एक बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़ होता है गवर्नमेंट कंपटीशन में क्या होता है कि बायोलॉजी के सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट नॉर्मली नहीं कर पाते हैं। कंपटीशन में आप जानते हैं कि जो मैथमेटिक्स होती है बीएससी में वो बहुत हाई लेवल की मैथमेटिक्स होती है, मतलब कंपटीशन में उस मैथमेटिक्स का कोई यूज ही नहीं है। जो कंपटीशन में मैथमेटिक्स यूज होती है वो 10th लेवल की होती है, नदी धारा चाल काम समय ये सब सारे क्वेश्चन आते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो उसका बहुत ज़्यादा बीएससी के मैथमेटिक्स लेने से कोई मतलब नहीं है। पीसीबी लेंगे तो आपका बायोलॉजी स्ट्रांग रहेगा, यानी आप गवर्नमेंट कोई प्रिपरेशन करते हैं जॉब की तो बायोलॉजी वाला सेक्शन आप अच्छे से कर जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सेक्शन भी अच्छे से कर जाएंगे। तीसरा जो फ़ायदा होता है कि देखिए सरकारी नौकरी में बायोलॉजी वाले भी उतना ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जितना कि पीसीएम वाले कर सकते हैं। तो पीसीएम से थोड़ा अच्छा पीसीबी है
लेकिन अगर जिनको लगता है कि बायोलॉजी वो नहीं चला सकते या एकदम कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं, मैथ उनके लिए ज़्यादा सुटेबल है, तो पीसीएम से भी कर सकते हैं। पीसीएम से भी करने पे बाकी सारे एडवांटेज मिलेंगे। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा और बढ़ता हूँ प्रोफेशनल बीएससी की तरफ कि प्रोफेशनल बीएससी में कौन सा सबसे बेटर है। तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया आज सबसे ट्रेंडिंग में जो सब्जेक्ट चल रहा है प्रोफेशनल बीएससी में वो चल रहा है बीएससी इन नर्सिंग। क्योंकि देखिए बीएससी नर्सिंग का क्या है कि इसमें स्कोप बहुत चल रहा है। जितनी वैकेंसी आई हैं इस समय, हाल ही के समय में जितना हॉस्पिटल की वैकेंसी आई है पैरामेडिकल्स की, उसमें बीएससी नर्सिंग मांग लिया था, उसमें समय डिमांड थी बीएससी नर्सिंग की। तो ऐसे में जितने स्टूडेंट इस समय बीएससी नर्सिंग कर लेंगे उनको ज़्यादा फायदा होगा। एक तो ये होगा कि आप गवर्नमेंट जितने आईएएस पीसीएस के फॉर्म होते हैं सारे फिलअप कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप अगर गवर्नमेंट में नहीं भी सेलेक्ट होते हैं तो आप किसी भी हॉस्पिटल में बहुत अच्छी सैलरी पे, बेसिक अच्छी सैलरी पे आप जॉब कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होता है बीएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो एक तरीके से ज़माना ही आ गया है, मतलब कि आप बीएससी कर लीजिए और जो तीन तीन महीने के जो गैप आते हैं पहले साल से दूसरे साल में, इसमें आप कहीं पे हैदराबाद या बेंगलोर जाके कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट सीख लिया करिए। तो इससे होगा क्या कि आप तीन साल बाद कहीं भी किसी कंपनी में जाएंगे, अगर आपने बढ़िया से कोई लैंग्वेज सीख लिया है, कोडिंग करने की कोई लैंग्वेज सीख लिया, तो आपको इजीली जॉब मिल जाती है। और जो आईटी सेक्टर की जॉब होती है इनमें जो सैलरी इंक्रीमेंट होता है वो 30-30% 40-40% के हिसाब से होता है। लेकिन हाँ, आईटी जो फील्ड होती है इसमें जो शुरुआती सैलरी होती है वो कम मिलती है, लेकिन जैसे ही आपका एक्सपीरियंस एक साल दो साल तीन साल बढ़ता जाता है वो सैलरी भी बढ़ती जाती है। उसी तरह बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इसको भी करने के बाद आप प्राइवेट कहीं भी टेलीकॉम कंपनियों में आप जॉब कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर है, इसकी भी एग्रीकल्चर में बहुत सारी डिमांड आती है, वैकेंसी आती रहती हैं। बीएससी एग्रीकल्चर में क्या है कि स्टूडेंट कम होते हैं, जिसके वजह से अगर जो स्टूडेंट किए रहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, इनमें संविदा पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती हैं, तो आप इसमें कैरियर बना सकते हैं। ऐसे ही बीएससी एनिमेशन है, बीएससी इन फैशन डिज़ाइन है, बीएससी इन मल्टीमीडिया है, मतलब ये जो प्रोफेशनल बीएससी है तो इसको करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी आपको आप अपना कैरियर सेटअप कर सकते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए कि ट्रेडिशनल बीएससी करने के क्या फ़ायदे होते हैं। ट्रेडिशनल बीएससी से मेरा तात्पर्य यही है कि अगर आप पीसीएम ग्रुप लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या पीसीबी ग्रुप लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसको करने के बाद अब आपके लिए क्या ऑप्शंस रहेंगे, क्या फ़ायदे होंगे इसको देख लीजिए। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि बीएड या बीटीसी करके टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। दूसरा, आप एमएससी करके नेट या जीआरएफ या रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। नेट जीआरएफ, अगर जीआरएफ अगर आपका हो जाता है तो शुरुआती अगर आपको 35,000 रुपये मिलने लगते हैं और ये 5 साल तक 6 साल तक मिलते हैं जब तक कि आपकी पूरी रिसर्च कंप्लीट नहीं हो जाती है। उसके बाद आप कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह काम कर सकते हैं, या अगर गवर्नमेंट वैकेंसी इनकी आती है तो आप परमानेंट प्रोफेसर भी हो सकते हैं। तीसरा जो होता है वो रेलवे, बैंक, एसएससी, वीडियो, और भी जो आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, पीसीएस और दिल्ली मेट्रो, डीआरडीओ, वीडियो इत्यादि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, इन सब में आप बीएससी करने के बाद ग्रेजुएशन लेवल के जो फॉर्म होते हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है एकदम लास्ट में, अगर आप इन सब में भी अगर आपने दिलचस्पी नहीं दिखाया या अनफॉर्चुनेटली आप नहीं सक्सेस हो पाए, तो लास्ट में जो ऑप्शन आता है कि आप प्राइवेट स्कूल में टीचर बन सकते हैं और अपना खुद का कोचिंग भी चला सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है, बीएससी करने के बाद अगर आदमी ढंग से पढ़ लिया है बीएससी को, पूरा रेगुलर कोर्स किया है, रेगुलर क्लासेस अटेंड करके बीएससी किया है, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है और वो इंसान कुछ ना कुछ लाइफ में अपना अच्छा तो कर ही लेगा। अगर कहीं नहीं सक्सेस होता है तो एक अच्छे कोचिंग क्लासेज या एक अच्छे प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में एक अच्छा लेवल का टीचर तो बन ही सकता है। तो दोस्तों ये था ट्रेडिशनल बीएससी। बस ये होता है दोस्तों कि ट्रेडिशनल बीएससी में अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो प्राइवेट टीचर को छोड़ के बाकी कोई लाइंस नहीं बचती है। लेकिन प्रोफेशनल बीएससी अगर आप कर लेते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग है, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जितनी वैकेंसी होती है सबके लिए आप अप्लाई रहेंगे। जितना ट्रेडिशनल बीएससी में जितने गवर्नमेंट के ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म आते हैं, आप प्रोफेशनल बीएससी करके भी उनको प्रिपरेशन करके उनकी तैयारी कर सकते हैं। मतलब अगर आप बीएससी नर्सिंग किए हैं या बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किए हैं तब भी आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें दो फायदे होते हैं प्रोफेशनल बीएससी के, कि एक तो आप गवर्नमेंट की तैयारी कर सकते हैं और अगर गवर्नमेंट में सक्सेस नहीं हुए तो प्राइवेट के लिए आपके काफ़ी ऑप्शंस हो जाते हैं। क्योंकि बीएससी नर्सिंग में देखिए, नर्स में क्या होता है कि लड़कियों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है और इस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग बीएससी नर्सिंग का ही चल रहा है। क्योंकि जीएनएम कुछ कारणों से कुछ राज्यों में बैन चल रहा है, बंद कर दिया गया है, तो जीएनएम के बंद होने से बीएससी नर्सिंग का मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा स्कोप आ गया है।
और पहला तो ये ग्रेजुएशन है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद भी आप बीटीसी करके टीचर बन सकते हैं। तो दो फायदे हो गए, एक तो आप सरकारी में भी जा सकते हैं सरकारी जॉब में, और दूसरा तो सरकारी में अगर नहीं सफलता मिलती तो आप प्राइवेट आपके लिए ऑप्शन खुले हुए हैं। तो दोस्तों ये मैंने सब बता दिया आपको क्लियरली, जो आपको अच्छा लगे आप सुटेबल कर सकते हैं। मैंने जो मेरे हिसाब से मैंने सोशल चीज़ों में जितना मैंने देखा सोशल सर्कल में लोगों को किस तरीके से एफर्ट करते हुए और क्या अच्छा था, उस हिसाब से मैंने बता दिया, और आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं। फिलहाल चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फिलहाल मिलते हैं एक ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।